अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन बन की रेसिपी। अगर आप रेसिपी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करेंगे जिस तरह मैं बता रही हूँ तो ये बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बन बनेंगे। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इसमें लिया है 2 कप मैदा और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी ईस्ट। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। आप जिस भी चीज़ में ईस्ट यूज़ कर रहे हैं आप उसमें जो है शुगर लाजमी यूज़ करें, क्योंकि ईस्ट और शुगर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और ये बहुत ज़बरदस्त जो है रेस करती है किसी भी पर्पज़ के फ्लार को। खैर, मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अंडा। अंडा जो है ना आपकी डो को बहुत सॉफ्ट रखता है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप अगर नहीं यूज़ करते डो में अंडा तो लाजमी डाला करें, ये आपकी डो को जो है क्रिस्पी रखता है। अब मैंने 1/2 कप जो है ल्यूक वार्म मिल्क लिया है। अब मैं इसमें आस्ता आस्ता मिल्क ऐड करती जाऊँगी और इसको गूंथती जाऊँगी। 2 कप मैदे के लिए 1/2 कप जो दूध है वो काफ़ी होता है, तो आप जो है पहले इसी मेजरमेंट के साथ इसको गूंथिएगा। अगर आपको और लगे कि ये हार्ड है या सही सॉफ्ट नहीं हो रहा तो फिर आप बेशक हाथ में थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा पानी का छींटा मार के इसको गूंद सकते हैं। खैर, मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया है और अब जो है मैं थोड़ा सा हाथों पे अपने ऑयल लगा के इसके ऊपर लगा के और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँ। अब हम आते हैं बंस की फिलिंग की तरफ। मैंने इसमें 200 ग्राम चिकन और 200 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया था और 2 इंच अदरक का पीस था, 4 से 5 लहसुन थे, 2-4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया था। इन सबको मैंने चॉपर में डाल के जो है वो पीस लिया था। मेरे पास जो है वो चिकन का कीमा नहीं था तो फिर मैंने थोड़ा सा बोनलेस चिकन ले लिया था, यानी 200 ग्राम। मैंने इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाला था और जो चॉपर में मैंने चीज़ें पीसी थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। और अब हम करेंगे इसको फ्राई, और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है क्योंकि हमने इसमें कच्चा लहसुन अदरक ऐड किया हुआ है। खैर, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसी मिर्चें, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाली है कुटी मिर्चें। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सा पके। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चिली सॉस या हॉट सॉस जो भी कह लें, और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाली है सोया सॉस। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो है इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अच्छी तरह पक जाएं, कुक हो जाएं। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी फिलिंग जो है वो रेडी है। अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ और माशाल्लाह से देखें डो कितनी अच्छी रेज हो गई है। पहले तो मैं सोच रही थी कि इस डो को मैं जो है इस बाउल ही में अच्छी तरह मिक्स कर लूँ यानी गूंद लूँ, लेकिन फिर मुझे नई तसल्ली हुई तो मैंने फिर थोड़ी सी खुश्की डाली और खुली सी जगह पे इसको अच्छी तरह गूंदा, क्योंकि फिलिंग के बाद जो है मेन चीज़ आपकी डो होती है, अगर वो अच्छी सी तैयार हो जाए तो आपकी चीज़ को 4 चांद लग जाते हैं। खैर, मैंने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने बड़े बंस बनाने हैं तो आप इसके 4 पीस कर लें, नहीं तो 1-1 कट जो है वो आप और लगा लें। मुझे ज़रा छोटे छोटे बंस अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कट कर लिया है। अब जो है मैं ट्रे को अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी और मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। आपने पेड़ा बिल्कुल इसी तरह बनाना है जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं। पेड़े बनाने से पहले जो है वो आपने अपने हाथों को अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है ताकि आप जो है वो स्मूथली पेड़े बनाते चले जाएं। खैर, मैंने 8 पेड़े बनाए थे और वो मैं ट्रे पे साथ साथ रखती गई थी और मैंने फिर इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। मैंने जो है कीमे में चीज़ मिक्स की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ डालते हैं। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप चीज़ ज़्यादा डालें, अगर आपको चीज़ कम पसंद है तो कम डालें, और अगर आप पसंद नहीं करते तो आप चीज़ को स्किप कर सकते हैं। खैर, चीज़ मिक्स करने के बाद जो है ये मेन प्रोसीजर है। देखें इसको मैं किस तरह बनाऊंगी। पहले आपने इसको हाथ से थोड़ा बड़ा करना है और फिर रोलिंग पिन से बेलने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ही डालूंगी और थोड़ी सी इसके ऊपर चीज़ ज़्यादा रखूँगी क्योंकि हम लोग चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर इसको चारों तरफ से आपने पकड़ के अच्छी तरह बंद कर देना है और एक पेड़ा सा बना लेना है। ये देखें मैंने कितना ज़बरदस्त सा पेड़ा बनाया है। और इसी तरह आपने बाकी जो आपके पेड़े होंगे उनको बेलना है
और फिर उसमें मसाला कह रही हूँ, हाँ, फिलिंग भरनी है, और इसको इस तरह बंद करके आप ट्रे पे साइड पे रखते चले जाएं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप फिर इसको 1 घंटा रख सकते हैं। मुझे ज़रा थोड़ी सी जल्दी थी तो बस मैंने इसको बनाती गई और मैंने ट्रे पे रख दिया, और मैंने 2 छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा भी बनाए थे। अब मैं इसको बनाने के बाद जो है मैं इस पे अंडा लगा रही हूँ, जो आपके बंस को बहुत ज़बरदस्त कलर देता है। बंस पे अच्छी तरह अंडे की कोटिंग के बाद जो है हम इस पे वाइट तेल लगाएंगे, अगर आपके पास ब्लैक भी हैं तो वो भी चलेंगे। फिर मैंने इसको रख दिया ओवन पे। ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट किया हुआ था, 30 मिनट तकरीबन हो गए थे, और फिर उसको मैंने रख दिया, और तकरीबन 25 मिनट बाद जब मैंने देखा तो वो हमारे बंस जो अच्छी तरह रेडी हो चुके थे। और फिर निकालने के बाद जो है माशाल्लाह देखें कितना अच्छा कलर आया है। मैंने बटर मेल्ट करके रखा हुआ था और फिर मैंने बटर इसके ऊपर लगाना शुरू किया। बटर लगाने के बाद जो है इनका कलर और ज़बरदस्त हो गया, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ऊपर और नीचे से कितने अच्छी तरह इस पर कलर आया है। और मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे लेकिन ये बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत टेस्टी थे। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए।